आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में। और मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों का मतलब है कि कुंडली के अंदर आपका जो चंद्रमा है वो मूल नक्षत्र में है, और उसी को हम जन्म का नक्षत्र कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। सो मूल नक्षत्र के अगर आप जातक हैं तो आपको किस तरह की एनर्जी इस नक्षत्र से मिलती है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्या ओवरऑल इस नक्षत्र का पोटेंशियल है आपके लाइफ के लिए, क्या मीनिंग है, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। सो वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है आतिश और हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में। सो मूल नक्षत्र जब पूरे भचक्र में 30 डिग्री की एक राशि होती है, और ऐसे 12 डिग्रियों से पूरा 360 डिग्री का भचक्र कंप्लीट होता है, जोडिया कंप्लीट होता है, तो नक्षत्र जो है वो और फाइन ट्यून्ड है और ज़्यादा जूम करके उसका डिवीजन है। 27 नक्षत्रों में अगर 360 डिग्री को डिवाइड किया जाए तो एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का एक विंडो मिलता है। और यहाँ जब हम 20 मिनट कह रहे हैं तो एक ज्योग्राफिकल विंडो है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली विंडो अर्थ कह रहा हूँ। सो अगर आपको नहीं पता आपका नक्षत्र क्या है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उससे आप 2 मिनट में आराम से निकाल लेंगे कि आपका नक्षत्र क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मूल नक्षत्र अगर आपका है, यानी आपकी राशि धनु होना निश्चित है, क्योंकि यह नक्षत्र धनु राशि के अंदर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक के ड्यूरेशन में ये प्रिवेल करता है। तो अगर आपका नक्षत्र मूल है तो आपकी धनु राशि है, अगर आपकी धनु राशि है तो जरूरी नहीं है कि आपका नक्षत्र मूल है। तो मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में से एक है, तो इसके लिए विशेष पूजा भी लोग करते हैं जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है इस नक्षत्र में, तो वो भी हम समझेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। मूल नक्षत्र का जो प्लानिटरी ओनर है, हर एक नक्षत्र का एक प्लानिटरी ओनर है होता है, तो जो 9 प्लैनेट्स हैं उनमें से एक होता है, तो मूल का जो ओनर है वो केतु है। और इसका जो सिंबल है, हर एक नक्षत्र से है, इसके सिंबल से जो एनर्जी मिलती है वो हम समझेंगे। इसका सिंबल है एक, जो कई सारे रूट्स को हम एक साथ बांध देते हैं वो मूल नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ के रूट तक जाते हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी नई स्टडी कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग हैं, किसी भी चीज़ के रूट तक जाना और तह तक जाकर उसका रिजल्ट निकालना, रिसर्च में नई इन्वेंशंस करने में, इनोवेशन करने में, या किसी वैक्सीन को ईजाद करने में, ऐसे लोग रूट तक जाते हैं किसी भी बात की। तो मूल नक्षत्र के लोग इन्वेस्टिगेटिव पावर बहुत तगड़ी होती है इनके अंदर, बहुत स्ट्रांग होते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के स्किल्स में। और जैसा हर एक नक्षत्र के एक योनि होती है, एनिमल एक रिप्रेजेंट करता है योनि को, तो इस नक्षत्र की जो योनि है वो डॉग है, स्वान है यानी एक कुत्ता। इसका जो देवता है वो निरृति है, यानी जिनके पास पावर टू डिस्ट्रॉय है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, फ्लश करना पुरानी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को फिनिश करके उसको दोबारा प्रिपेयर करना, उस प्लेटफॉर्म को नई चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए, वो जो इसके देवता हैं उसकी पावर है। और इसीलिए जो नेचुरल एनर्जी इस नक्षत्र के लोगों में होती है वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। अगर आपको डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। तो बड़ा बैलेंस होना ऐसे लोगों में बहुत ज़रूरी है जिन जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो किसी भी बीमारी को किल करना है तो वहाँ पॉजिटिव पावर हो गई है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन किसी की धन संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर देना, अपने संचित धन को डिस्ट्रॉय कर देना भी इसका नेगेटिव साइड आ जाता है, अगर कुंडली में प्लैनेट्स बहुत अच्छे से प्लेस ना हो तो। सो कई तरीके से इसको देखा जाता है। डिस्ट्रक्शन की पावर बहुत क्रिटिकल पावर है इस नक्षत्र के लोगों के अंदर, वो नेचुरली है। तो किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, रूट तक जाना और डिस्ट्रॉय करना, ये एक तीन चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है इस नक्षत्र के लोगों के अंदर। इस नक्षत्र को फाउंडेशन स्टार भी कहा गया है, और इसीलिए जैसे इसका सिंबल है, रूट है, बंच ऑफ रूट्स है, तो किसी भी चीज़ के आप रूट तक जाएंगे और आप किसी भी चीज़ को समझेंगे अच्छे से तो आपके अंदर पावर आ जाएगी कि आप किसी भी चीज़ के रियलिटी को, सच को जान लेंगे। तो इल्यूजन को ब्रेक करना, किसी भी चीज़ के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छे से इस नक्षत्र के लोगों को आता है। रियलिटी तक पहुंच जाना, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना, ये एक ट्रेट है इस नक्षत्र के लोगों के अंदर। और जैसे कि केतु इसका प्लानिटरी ओनर है इस नक्षत्र का, आप इस पर्टिकुलर बर्थ में या इस पर्टिकुलर जन्म में किसी भी चीज़ के डीप तक जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी अगर मेडिटेटिव पावर बहुत अच्छी है आपकी, तो आप अपने सोल के जो डिफरेंट बर्थ्स हैं उसके रूट तक भी जाने में सक्षम है, उतनी पावर इस नक्षत्र के अंदर। ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर माना गया है मूल नक्षत्र, इसीलिए जब किसी चीज़ के सेंटर पे आप हैं वहाँ पर मून की एक पावर है आपको चीज़ों के रियलिटी को रियलाइज कराने की। तो रियलिटी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं है, आपके पैरासोल जो है, जहाँ पर आप की सोल के जो डिफरेंट बर्थ हैं, यूनिवर्स के अराउंड जो
ओवरऑल वैल्यू है आपकी इस जन्म के अंदर, आप उसको भी रियलाइज करने में ये नक्षत्र आपके लिए सक्षम है। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग इन्वेस्टिगेटिव बिजनेस में होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हीलर्स होते हैं, जो आपके माइंड के अंदर तक पहुंच जाए, वो लोग डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए। और मूल नक्षत्र के भी गंडमूल है, अगर इसकी शांति करा दी जाए, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं मूल नक्षत्र की शांति में, जिसका जन्म मूल में हुआ होता है। सो अगर इसकी शांति करा दी जाए तो जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है वो पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देगा, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो किसी को आप या तो किल करेंगे या आप उसके अंदर की बीमारी को किल करेंगे। तो सर्जन जो होते हैं उनके लिए फिर ये नक्षत्र बड़ा सूदिंग होता है। सो प्रोफेशनली जो बुचरी का बिजनेस है वहां पर ये नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है। टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिन लोगों के पास होती है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ये सारे जो प्रोफेशन हैं जहां पर भी किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना है, जिसे किसी भी चीज का ओवरऑल नॉलेज बहुत डीप में गेन करना है, वो इस नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत सूदिंग बिजनेस है। वहां पर ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसे करियर्स में। सो ओवरऑल मूल नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं, जनरली मूल को बहुत खराब माना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक नक्षत्र की अपनी स्पेशलिटी है। उस पावर के अकॉर्डिंगली जब आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से आप परफॉर्म करते हैं, तो वो नक्षत्र अपनी नेचुरल एनर्जी के साथ आपको आगे लेकर जाता है। सो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी मूल नक्षत्र के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।